पंचायत में जो तीन किसानों की रिहाई के बारे में और खासकर जो भाई अनीस खटकड़ के बारे में, क्योंकि जींद जिला का प्रशासन सिर्फ जो है अनीस के ऊपर ही फैसला लेने में सक्षम है, बाकी जो है अंबाला वाले अंबाला जिले के, लेकिन फॉर्मों का जो है सरकार के ऊपर यही दबाव था। आज जो प्रशासन ने प्रस्ताव रखा और जिसके ऊपर जो है किसानों की सहमति हुई, वो ये है कि प्रशासन ने कहा कि आप बेल लगाओ, लेकिन किसान संगठनों ने बेल लगाने से मना कर दिया। हम बेल तो नहीं लगाएंगे, परंतु उसके परिवार की तरफ से एक लिखित, एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा प्रशासन के नाम से। उसके अंदर जो भी मसौदा है वो उन्होंने बता दिया, आपने इस तरीके से जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो पहले भी लिख कर दिया उसी तरीके, पहले भी जो है ये इसी तरीके की एप्लीकेशन 10 तारीख को दी गई थी, उसी को दोबारा जो है आज देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज जो हमारी सिर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है वो है भाई अनीस के अनशन की। तो टल्लेवाल जी ने अनुरोध किया था कि हमारी कमेटी के आदमियों को जो एक बार उनसे मिलवा दिया जाए अनीस से, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना अनशन समाप्त कर दें और आगे फिर जो है निरंतर इस आंदोलन को हम जारी रखें। आप प्रशासन को जब समयबद्धता की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम समय आपको निश्चित तौर पर तो नहीं बता सकते, परंतु जितना शीघ्र होगा उतना हम इस काम को करेंगे। परंतु मैं पूरी जो है किसान जत्थेबंदियों ने जो फैसला लिया वो ये है कि आने वाली 27 तारीख तक प्रशासन को यह समय दिया गया है कि आप अपनी कार्रवाई करके और इन किसानों को रिहा करो, अन्यथा फिर 27 तारीख से जो ये फैसला हमने आज करना था यहां पर, जो मजबूरी वश हम नहीं कर सके, मजबूरियां मैंने आपको बता दी थी कि क्यों नहीं कर पाए, हम 27 तारीख को उसको पुनः फिर लागू करेंगे। ये फैसला जो है प्रशासन और किसान संगठनों के बीच में हुआ है, आप सहमत हो इससे? देखो उन्होंने, हमने यही बात उनसे कही थी, लेकिन वो कह रहे कुछ कानून प्रक्रियाएं हैं जिनको पूरा करना होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। पहले जो 7 दिन दिए थे उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन हम एक प्रयास ये भी करे हैं कि जेल में उसे मुलाकात करके अगर वो भाई सहमत होता है तो उसका अनशन तोड़वाया जाए और फिर इनकी रिहाई के लिए जो है हम लोग पुरजोर संघर्ष जारी करेंगे। यही जो है फैसला है। धन्यवाद। जय किसान। जितने मीडिया वाले साथी हैं और जितने पब्लिक बैठी है, सबसे मेरी प्रार्थना है एक बार सारे पंडाल में आ जाओ, मैं अपनी बात रखूंगा। मैं उसका पिताजी हूँ, नहीं जानते हो तो मैं अपनी बात रखूंगा और आ जाओ। ये लॉलीपॉप है प्रशासन का, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है जी, रोड खोल दो, कोई बात नहीं, सारे वहाँ ठीक है। फैसला देर में मिलने लायक रहा, कार्रवाई कमाल कर रहे, इनको फैसला किसने कह दिया? उनके बंधुआ मजदूर थोड़ी हम किसी के,
आड़े राम राज्य कोर्ट की बात चल रही, किसी एक व्यक्ति की बात को जल्दी तल्ले वाल ठीक आदरणीय है, कार्यकारिणी की सो मजबूरी नहीं होगी, उनकी मजबूरी नहीं होगी। क्या रहा मतलब जो फैसला आपको मंजूर है, क्या कुछ फैसला जो यहाँ की सीनियर कमेटी की मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर पीड़ित काम का टाइम चल रहा है, लेकिन हमारी यहाँ इतनी मजबूरी भी कौन है, मानवता को तार तार करने की काम होगी, नैतिक मूल्यों को ऊपर दबाव चाहोगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे भाई। छोरा ने 34 दिन हो लिए, बिल्कुल अनशन में बैठा है, 7 दिन में हो गए जिम्मेवारी ले लेंगे, तो भगवान को सहायक होने 7 दिनों से उसकी जो कंडीशन है ले लेंगे जिम्मेवारी थोड़ी सा लगा किसी का नेता कर रखे हैं, उनकी प्रशासन से बात हो गई है, उनने जो फैसला ले लिया हटके, तुम चार जने कोई बात नहीं, कर लो आप, कर लो फिर आप रोड खाली करो, मांगो नहीं करते रोड रोड खाली, क्या बात है, अगर ये महिलाएं हटेंगी तो हट जाएंगे यार, मिला फिर तू मैंने महिलाओं का साथ दे देगा फिर पानी ना देगा। तो भाई एक किसान को जो गई है बात तो कहा क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बताएंगे? मैं भीतर जाना चाहूँ, मजा भाई। हेलो, किस लिए गिरफ्तार किया गया आपको, किस लिए गिरफ्तार किया गया? सिर्फ और सिर्फ यह बात थी, उस लड़का का अनशन निकल रहा है, बताया जा रहा है उसकी बीवी भी है जो भूखड़ताल पे है, महिलाएं भी यहाँ पर गुस्सा गाड़ी में बैठ चुकी है, ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है माहौल यहाँ पर। आपको गिरफ्तार किया गया, आपने गिरफ्तार उसने उतारो आप जी, हमने ना तो इसको चटाया, अगला खुद का सरकार आनी जानी है जी, बदले भी मेरी बात सुन पूरी कमेटी बात कर रही है, ये जो बड़ी